हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचकेएम टेक वर्ल्ड। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे यूजर इन लिनक्स के बारे में कि यूजर लिनक्स में क्या होता है, हम लोग कैसे यूजर क्रिएट करते हैं, हम लोग कैसे यूजर डिलीट करते हैं, और जब यूजर क्रिएट करते हैं तो इंटरनली क्या क्या होता है वो सब डिटेल में जानेंगे। और इसके अलावा मैं आप लोग को बताऊंगा कि ग्रुप क्या होता है और हम लोग यूजर को ग्रुप में कैसे असाइन करते हैं और कैसे निकालते हैं, हम लोग सारा कुछ डिटेल में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो नॉर्मली मैं अगर यूजर के बारे में आप लोग को बताऊँ तो यूजर मतलब क्या होता है, ऐसा समझिए कि मान लीजिए एक कंपनी, जैसे एक कंपनी होता है, कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं, उसी तरह लिनक्स में भी समझिए ऐसा एक मतलब यूजर हम लोग क्रिएट करते हैं कि हम लोग उसका पावर को मैनिपुलेट कर सकें। जैसे मान लीजिए रूट यूजर, तो रूट यूजर के पास लिनक्स का पूरा कंट्रोल होता है, वो कुछ भी कर सकता है। पर हम चाहते हैं नहीं, हमको कुछ काम है कि मान लीजिए हम चाहते हैं कोई सिस्टम रिलेटेड कमांड है, जैसे कि कोई सर्विस स्टार्ट करना है, सर्विस को डिलीट करना, तो इसके रिलेटेड कुछ काम है, तो उसके लिए आप एक अलग यूजर बनाना चाहते हैं कि मान लीजिए कि ये यूजर बनाए हम तो ये इसके रिलेटेड काम करें, ये पूरा इसके पूरा लिनक्स पे इसका कंट्रोल ना हो। मतलब आप एक तरह से समझिए जो पावर है उसको मैनिपुलेट करने के लिए एक तरह से समझिए आप यूजर बनाते हैं। और यही है यूजर, एक तरह से समझिए एक एंटिटी है जिसके पास अपना पावर होता है, अपना मतलब सब कुछ होता है, उसको मतलब उसको पावर हम लोग देते हैं कि उसको ये काम करना है। अगर मान लीजिए आप लिनक्स में यूजर बनाते हैं तो यूजर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे यूजर बनाइए और यहाँ पे आप जो भी नाम है वो नाम दे दीजिए, पर ये सिर्फ आप कर दीजिएगा ऐसे यूजर बन जाता है। पर सिर्फ ये तो कहीं भी आप देख लीजिएगा कि यूजर कैसे बनता है। पर जब आप यूजर बनाते हैं तो क्या होता है बिहाइंड द सीन, तो जब आप यूजर बनाते हैं तो एक फाइल है लिनक्स में /etc/passwwd, ठीक है, ये फाइल है लिनक्स में। जब आप कोई भी यूजर बनाते हैं तो वो यूजर आता है और इस फाइल में अपडेट होता है, और इस फाइल में जैसे मैं फाइल को ओपन करूं तो आप अगर लास्ट लाइन देखिएगा तो ये यूजर अभी अभी हम लोग ने बनाया है ये यूजर, और ये यूजर में कुछ कुछ फील्ड है यहाँ पे, जैसे मैं बात करूँ टोटल 7 फील्ड है यहाँ पे। जैसे आप एचकेएम टेक वर्ल्ड के बाद कोलन के बाद एक्स दूसरा फील्ड है, फिर 1002 दूसरा फील्ड है, फिर 1002 फिर दूसरा फील्ड है, ये सब 7 अलग अलग फील्ड है। तो ये सब फील्ड का पहले क्या मतलब है ये हम लोग पहले जानते हैं। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि इससे मैं अभी डिलीट, अभी मैं क्या करता हूँ, एक अभी हम लोग पहले यूजर बना लिए हैं एचकेएम टेक वर्ल्ड। अब हम चाहते हैं पहले इस यूजर में कोई पासवर्ड सेट करना, मतलब अभी तो कोई अगर मान लीजिए आपको अगर उस यूजर में अगर लॉगिन करना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, पासवर्ड तो अभी आप है ना आपके पास, सीधा लॉगिन कर जाइए बिना पासवर्ड के। पर आप चाहते हैं नहीं, वो यूजर है तो उसको रिस्ट्रिक्ट उसका अपना पासवर्ड हो, तो वो तो अभी यहाँ पे भी आके पासवर्ड डाल सकता है कोई भी यूजर। तो यहाँ पे बस आपको passwd लिखना है, passwd, ये देख लीजिएगा ध्यान से, और उसके बाद आप यहाँ पे कोई पासवर्ड दे दीजिए, सॉरी यहाँ पे सब पासवर्ड passwd के बाद यहाँ पे यूजर का नाम देना है, किस यूजर के लिए आप पास देना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप एक बात यहाँ देखिएगा, यहाँ पे आप जब ये passwd चलाए यहाँ पे, तो ये अभी हम किस यूजर में है, एचकेएम टेक वर्ल्ड में है, मतलब अभी आप रूट यूजर में नहीं है। तो आप जब passwd कमांड चलाए तो यहाँ पे एक आ गया कि ओनली रूट कैन स्पेसिफाई यूजर नेम, मतलब ऐसा मतलब यहाँ पे ये जो एचकेएम टेक वर्ल्ड है ये मतलब सिर्फ बोल रहा है रूट सिर्फ यहाँ पे यूजर का नाम स्पेसिफाई कर सकता है पासवर्ड देने के लिए। तो आप यहाँ पे अभी एचकेएम टेक वर्ल्ड में है और आप चाहते हैं एचकेएम टेक वर्ल्ड का पासवर्ड चेंज करना, तो आप यहाँ पे सिंपल खाली passwd लिखेगा भी तो हो जाएगा। बस यहाँ पे आपको पासवर्ड देना है, यहाँ करंट पासवर्ड पूछ रहा है, करंट पासवर्ड कुछ नहीं है, पर यहाँ पे देखिए बार बार करंट पासवर्ड पूछ रहा है यहाँ पे, तो ये आ सकता है ये, क्योंकि आपको पहली बार जो पासवर्ड सेट करना है वो रूट यूजर से ही सेट करना है। तो सबसे पहले रूट यूजर में हम जाते हैं, तो पहले यहाँ से हम एक बार न्यू टैब खोल लेते हैं, इस टर्मिनल में रूट यूजर है मेरा और इस टर्मिनल में मेरा एचकेएम टेक यूजर है, तो यहाँ पर से हम पहली बार पासवर्ड सेट कर देते हैं। यहाँ पे आपको यूजर का नाम दे दीजिए, ये सब सिक्योरिटी पर्पज के लिए, क्योंकि रूट यूजर एक तरह समझिए सुप्रीम होता है, इसके पास सारा पावर होता है, सब कुछ भी ये कर सकता है। तो और ये सब जो हम यूजर बनाए यहाँ पे, जैसे एचकेएम टेक वर्ल्ड मैंने बनाया, तो एक जनरल यूजर है ये। और लिनक्स में मैं बात करूँ तो नॉर्मली 3 प्रकार के यूजर होते हैं, एक जनरल यूजर जो अभी हम लोग यहाँ बना रहे हैं यूजर एड कमांड की मदद से, और उसके बाद दूसरे होते हैं रूट यूजर जो एडमिन होता है हमारा, और इसके पास इसका जो आईडी होता है वो 0 होता है और इसके पास सारा पावर होता है। आईडी का यहाँ बहुत महत्व है। एक बात पहले मैं इसका पासवर्ड सेट कर देता हूँ, जो भी पासवर्ड है यहाँ पे, ये पासवर्ड यहाँ सेट हो चुका, और उसके बाद आप अपने यूजर में आके यहाँ पे पासवर्ड आप सेट कर सकते हैं। आप सिंपल passwd लिखिए, सॉरी डी होगा यहाँ पे, उसके बाद आपका जो करंट पासवर्ड है वो दीजिए यहाँ पे, अब न्यू पासवर्ड दीजिए, और यहाँ पे पूछ रहा है द पासवर्ड इज सेम एज द ओल्ड वन, अलग अलग देना है, ऐसे समझ लीजिए आप ऐसे पासवर्ड सेट होता है। मैं अभी रहने देता हूँ जो पासवर्ड मैंने सेट किया है। तो ये होता है एक तरीका पासवर्ड सेट करने का, ये तरीका होता है। और उसके बाद मैं एक बात और बता दूँ, आईडी के बारे में बात करें, तो अभी देखिए हम रूट यूजर में है और इसका आईडी 0 है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, एडमिन यूजर का आईडी 0 होता है, ठीक है,
तो यहाँ पे रूट एडमिन है, तो इसीलिए इसका आईडी क्या है, जीरो। यदि यहाँ देखिए आईडी भी जीरो है, ये ग्रुप आईडी भी जीरो है, ये ग्रुप्स भी जीरो है, ये सब क्या होता है हम लोग अभी सब कुछ जानेंगे सर। तो अभी अभी सिंपल समझिए एडमिन का आईडी जीरो होता है। और मैं अगर तीसरा यूजर का बात करूँ तो वो होता है नॉर्मल हमारा सर्विस यूजर, मतलब ऐसा समझिए जैसे आप कोई सर्विस इंस्टॉल करते हैं, जैसे मैं मेरा सिस्टम में डॉकर अभी इंस्टॉल है इसमें, तो एक डॉकर एक प्रकार का सर्विस है, तो वो भी समझिए एक यूजर ही है। समझिए मैं आप लोग को दिखाऊं, जैसे हमारा जानते हैं ये सारा यूजर, कोई भी यूजर हो हमारा इस फाइल में सारा यूजर के बारे में रहता है। तो यहाँ देखिए ये रूट यूजर है, ये जो तीसरा फील्ड है यहाँ पे, ये आप देखिए ये इसका आईडी है, इस यूजर का ये क्या है आईडी। अभी मैं आप लोग को सारा फील्ड के बारे में बताऊंगा, तो पहले आप समझिए ये जो दूसरा फील्ड है वो, ये तो नहीं तीसरा फील्ड है वो क्या, हमारा आईडी, इस रूट का आईडी जीरो। और जो जनरल यूजर होता है, जैसे जनरल यूजर बात करें हम लोग, जनरल यूजर का आईडी हमारा 1000 से स्टार्ट होता है, 1000 से स्टार्ट होता है 60000 तक। और अगर यहाँ पे बात करें जैसे ये सब हो गया हमारा, ये सब हमारा सर्विस यूजर है, सब मतलब ये सब सर्विस है एक तरह से, हमारे सिस्टम में जितने भी सर्विस हैं सारा कुछ इसमें दिया हुआ है, हमारा सारा सर्विस है। यहाँ पे देख सकते हैं SSD भी सर्विस है। फिर उसके बाद बात करें तो हमारा आप लोग जो जो जानते होंगे कुछ कुछ यहाँ पे, जैसे मैं बात करूँ और, तो ऐसा समझ लीजिए सब सर्विस, ये सब कोई मतलब है नहीं वैसा कुछ। जैसे यहाँ पे देखिए ये मेल, ये भी सर्विस है एक तरह से। तो ये हो गया हमारा आईडी के बारे में बात। हाँ एक बात और पहले बता देता हूँ मैं, ये अभी हम HKMTech यूजर में है। अगर आपको कोई यूजर का आईडी जानना है तो उस यूजर का आईडी हम लोग आईडी कमांड की मदद से जान सकते हैं। इस यूजर का आईडी अभी क्या है 1002, और मैंने बताया जनरल यूजर का आईडी हमेशा स्टार्ट होता है 1000 से ही। तो ये हो गया हमारा जो नॉर्मल आईडी पर जानने का तरीका। अब मैं एक बार अब आपको पूरा passwd फाइल के बारे में पूरा बताता हूँ पूरा क्लियर से, तब आप लोग को पूरा आइडिया होगा। और एक बात पहले बता दूं, जैसे मान लीजिए जो आप जनरल यूजर बनाते हैं बाय डिफॉल्ट उसके पास रिस्ट्रिक्टेड पावर होता है। जैसे मैं मान लेता हूँ कुछ कुछ ये यूजर जो होता है, जैसे अभी इसको मैंने कोई पावर नहीं दिया है, ये नॉर्मल यूजर है, जनरल यूजर है। तो मान लीजिए अगर हम लोग कोई सिस्टम रिलेटेड कमांड चलाना है, जैसे मैं सिस्टम CTL डॉकर का मान लीजिए स्टेटस मैं देखना चाहता हूँ, डॉकर का स्टेटस देखना चाहता हूँ, तो पहले तो यहाँ पे पहले स्पेलिंग सही कर लेते हैं सिस्टम CTL का, सिस्टम CTL सही है। तो अभी तो ये देखिए मान लीजिए ये सब इससे आप खाली पता कर सकते हैं सिस्टम CTL से स्टेटस डॉकर का। अगर मान लीजिए अगर मैं इसको रीस्टार्ट करने का बोलता हूँ, तो अगर मान लीजिए मैं बोलता हूँ इसको रीस्टार्ट करने के लिए, ठीक है अभी बंद है हमारा सर्विस, इसको रीस्टार्ट करने के लिए मैं बोलता हूँ, तो यहाँ देखिए पहले तो ये पासवर्ड पूछ रहा है यहाँ पे, ये डॉकर यहाँ पे हमारा ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड। तो मान लीजिए यहाँ मैं पासवर्ड देता हूँ, जो पासवर्ड है, तो पहले हम लोग से पासवर्ड पूछा, फिर इसके बाद ये रिस्टार्ट किया। पर कुछ कुछ तो ये ओपन ही नहीं कर सकता। जैसे मैं बात करूं एक लिनक्स में क्रिटिकल फाइल होता है शैडो फाइल। शैडो फाइल में क्या होता है, जितना भी यूजर आप लोग बनाया है अभी तक का सारा यूजर का पासवर्ड इस फाइल में होता है। इसका एक मिनट, तो ये मतलब इसीलिए ओपन नहीं हो रहा है शायद परमिशन के चलते। मैं मान लीजिए आप लोग ऐसा कंटेंट दिखाता हूँ एक बार शैडो फाइल का कंटेंट, तो ये देखिए ये परमिशन डिनाइड हो रहा है, वो इसीलिए ब्लैंक ओपन हो रहा था क्योंकि हमारे पास परमिशन ही नहीं है इस फाइल को कोई भी ऑपरेशन करने के लिए, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल फाइल है, इसमें आपका सारा यूजर का क्या होता है पासवर्ड रखा जाता है। तो अगर फिर से आऊँ यहाँ पे, जैसे कि मैं फिर से /etc/passwd पे आऊँ, अभी आप नोटिस कीजिए आप अभी HKMTech यूजर में है, और ये फाइल जो है HKMTech यूजर सिर्फ ओपन करके रीड कर सकता है। इस फाइल में कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता जनरल यूजर, इस फाइल में ऑपरेशन सिर्फ रूट यूजर परफॉर्म कर सकता है। तो आप अगर ये फाइल को ओपन कीजिएगा, तो ये अगर मैं दूसरा फील्ड का बात करूँ, तो ये दूसरा फील्ड जो हमारा पासवर्ड है जनरली जो रूट यूजर का पासवर्ड है, तो आप लोग बोलेंगे यहाँ पे सब जगह एक्स ही लिखा हुआ है। तो ऐसा समझिए ये एक्स एक तरह से डिनोशन मतलब डिनोट कर रहा है, ये एक तरह से मुझे लिंक है हमारा /etc शैडो फाइल के लिए। यहाँ पे एक्स दिया है इसका मतलब समझिए यहाँ पे ये जो पासवर्ड यहाँ से रेफरेंस कहाँ से ले रहा है, /etc शैडो फाइल से। जैसे मैं इस फाइल को ओपन करूँ, मैं यहाँ पे पूरा क्लियर करता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे /etc शैडो फाइल ओपन करता हूँ, क्योंकि ये रूट यूजर है। फाइल का नाम मैंने गलत दे दिया, ये मेरा लगता है फ्रीज कर गया, मैं फिर से दूसरा टर्मिनल खोल लेता हूँ। तो मैं नया टर्मिनल खोल लेता हूँ, और इसमें मैं रूट यूजर है हमारा, इसमें अगर मैं /etc शैडो फाइल ओपन करूँ, तो यहाँ देखिए ये फाइल में सारा यूजर का पासवर्ड रखा गया। ये देखिए ये रूट यूजर है, ये रूट यूजर का पासवर्ड है, ये हैश फॉर्मेट में, इसको आप रीड नहीं कर सकते, रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है। तो ये रूट यूजर का ये पूरा पासवर्ड एक तरह समझिए ये जो भी है। उसी तरह ये दूसरा फील्ड में क्या है पासवर्ड, तीसरा फील्ड है कि हमारा ये रूट का आईडी क्या है।
जनरली हमारा बोले मैंने बोला एडमिन यूजर का आईडी जीरो होता है, जो जनरल यूजर आप जितना ही बना है। नीचे आप देखिएगा, जैसे कि नीचे मैं दिखाऊं आप लोग को, यहाँ देखिए जैसे यहाँ पे चेक हो गया, एचकेएम टेक वर्ल्ड हो गया, ये सब का आईडी कितना है हमारा जीरो, तो सॉरी जीरो मैं बोल रहा हूँ, आईडी सब देखिए 1000 से स्टार्ट है सब जनरल यूजर का आईडी, और जो ये सब सर्विस है सब, इस सब का आईडी मतलब 1 से लेके 99 तक, सॉरी 999 तक लाइक करता है। तो ये हमारा हो गया जनरल यूजर, ये हो गया हमारा तीसरा फील्ड, जहाँ पे तीसरा फील्ड किसको डोनेट कर रहा है आईडी को, और चौथा फील्ड है, चौथा फील्ड ये ग्रुप आईडी को डोनेट कर रहा है। मतलब आप जब भी कोई ग्रुप क्रिएट करते हैं तो ग्रुप क्रिएट सॉरी जब भी आप कोई यूजर क्रिएट करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट उस नाम का एक ग्रुप भी क्रिएट करता है। जैसे मैं बात करूं, इस फाइल से मैं बाहर आता हूं, इसे मैं क्लियर करता हूं। जैसे मान लीजिए आप अभी रूट यूजर में है, ठीक है, रूट यूजर में देखिए कौन से ग्रुप में है आप, रूट ग्रुप में है। मतलब एक यूजर आप क्रिएट किए रूट, रूट तो वो क्या किया, तो बिहाइंड द सीन मतलब ग्रुप भी क्रिएट किया। तो फील्ड है ये होम डायरेक्टरी है, मतलब जब भी कोई आप यूजर क्रिएट करते हैं तो उसका एक पर्सनल डायरेक्टरी क्रिएट होता है हमारा, जो सब यूजर, जैसे मैं बात करूं लिनक्स यूजर में है आप तो आप अभी कुछ भी काम कर सकते हैं। तो ये अभी मैं एचकेएम टेक वर्ल्ड में हूं, तो मैं मान लेता हूं किसी भी यूजर का आपको होम डायरेक्टरी में आना है तो आप टिल्ड सिंपल दे दीजिए, आप कोई भी यूजर के होम डायरेक्टरी में आ जाइएगा। तो यहाँ पर पीडब्ल्यूडी करूँ तो देखिए हर एक यूजर का एक होम डायरेक्टरी होता है। जैसे मैं बात करूँ रूट यूजर है तो आप दूसरे के होम डायरेक्टरी में भी जा सकते हैं, पर अगर मान लीजिए आप यूजर ए हैं तो आप यूजर बी के होम डायरेक्टरी में नहीं जा सकते, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, परमिशन डिनाइड होता है। मैं बोल रहा हूँ बाय डिफॉल्ट, मतलब आप परमिशन को उसमें दे सकते हैं, कैसे देंगे सब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो में मैं सिंपल सा यूजर ऐड के बारे में पूरा डिटेल्ड में बता रहा हूँ, इसीलिए वीडियो थोड़ा लंबा भी चले गया। तो ये आप देखिए, तो ये सीडी में जैसे ये स्लैश होम, तो इसमें सारा यूजर का हमारा होम डायरेक्टरी है। जैसे मैं रूट यूजर हूं तो मैं कोई भी डायरेक्टरी खोल सकता हूं, पर मान लीजिए कोई विनायक है और मैं अभी एचकेएम टेक यूजर में हूं, मैं इससे बाहर आता हूं, मैं क्या करता हूं, मैं बाहर आता हूं, हम बाहर आ जाते हैं। तो अगर मैं इसे पूरा क्लियर करूं, मान लीजिए बाहर आ गए, ठीक है, और आप अगर चाहते हैं विनायक नाम का कोई यूजर यहाँ क्रिएट था इसके डायरेक्टरी में जाना चाहते हैं, तो आप देखिएगा इसके डायरेक्टरी में आप नहीं जा सकिएगा, स्लैश होम स्लैश विनायक परमिशन डिनाइड, क्योंकि आप किसी के दूसरे यूजर के होम डायरेक्टरी में नहीं जा सकते। रूट यूजर कहीं भी जा सकता है, मैं जैसे सीडी एचकेएम टेक, रूट यूजर के लिए कोई पावर ही नहीं है, मतलब वो समझिए एक तरह से समझिए उसको सब पावर है, दुनिया का जितना पावर है पूरा टर्मिनल में सारा पावर है, वो किसी के डायरेक्टरी में जाके कुछ भी कर सकता है। तो ये हमारा हो गया था रूट डायरेक्टरी। मैं फिर से स्लैश सीटीसी पास डब्ल्यूडी ओपन करूं, डब्ल्यूडी ओपन करता हूं पास डब्ल्यूडी, तो ये हो गया हमारा होम डायरेक्टरी, ठीक है। मैं सब ये सब अब बाय डिफॉल्ट रहता है, मैं सब चेंज करना भी बताऊंगा आप लोग कैसे दूसरा ऑपरेशन सब परफॉर्म कर सकते हैं। और ये जो है हमारा, ये एक तरह समझिए ये है कि बिन बैश, मतलब ये कौन सा बैश यूज कर रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जैसे सर्विस यूजर होता है, तो यहाँ पे देखिए जो बैस यूज हो रहा है एस बिन नो लॉग इन, तो इसमें कोई टर्मिनल जो होगा कोई भी सेल प्रॉम्प्ट नहीं होता है, मतलब ये एक तो समझिए ये नो लॉग इन है एक तरह से, मतलब इसमें आप लॉग इन नहीं कर सकते। कोई भी सर्विस ब्रांच जो बाय डिफॉल्ट रहेगा सब में देखिएगा SBI नो लॉग इन रहेगा, क्योंकि इस सब जो सर्वर है, इस सब जो यूजर है, इस सब में आप लॉग इन ही नहीं कर सकते। उसी तरह यहाँ पे ये जो रूट यूजर है वो बिन बैस तरह से समझिए एक बिन बैस सेल प्रॉम्प्ट ओपन करेगा। उसी तरह यहाँ पे सब आप देख सकते हैं ये सब जितना भी TCP डंप या जेनकिंस जो भी है यहाँ पे सब, ये सब जितना भी है सारा क्या है हमारा नो लॉगिन, नो लॉगिन मतलब कोई सेल ही नहीं है सबका। यहाँ पे देखिए बिन बैस है, एक बिन बैस मतलब ये बिन बैस सेल यूज कर रहा है या बिन बैस सेल चलाएगा जब स्टार्ट होगा, ऐसा समझिए ये इस फील्ड का मतलब। कि जब भी आप कोई यूजर में लॉग इन करते हैं, जैसे एचकेएम टेक यूजर में लॉग इन करते हैं, तो ये कौन सा कमांड चलाएगा ऐसा समझिए एक तरह से। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है स्लैश बिन बैस, मतलब ये जब ओपन होगा तो बैश सेल चलाएगा, मतलब बैश सेल आपके सामने लाएगा। उसी तरह आप अगर यहाँ पे डेट दीजिएगा तो वो क्या करेगा, डेट कमांड चलाएगा लॉग इन होके। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आप लोग को, मैं अभी इस फाइल को यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ। तो एक बार देखिए एक मिनट, ये फाइल मैंने सेव करना चाहा पर ये सेव नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं एचकेएम टेक यूजर में हूँ। तो एचकेएम टेक यूजर क्या कर सकता है, फाइल में एडिट नहीं कर सकता है,
कैसे मैं पता आप लोग को पता चलेगा, यहाँ देखिएगा जैसे मैं ls-l करूंगा /etc/passwd करता हूँ, तो यहाँ देखिएगा ये जो है ये जो लास्ट थ्री परमिशन है ये सब मैं डिटेल्ड में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे आप कोई फाइल फोल्डर में परमिशन इनेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा ये सिर्फ रीड पावर दे रहा है, कोई राइट और एग्जीक्यूट पावर नहीं है हमारे पास कोई यूजर के लिए, इसीलिए ये यूजर क्या कर सकता है इसको एडिट नहीं कर सकता है। ठीक है, अब मैं बात बताता हूँ आप लोग को कोई यूजर को डिलीट कैसे करते हैं। जैसे आप यूजर ऐड था वहां पे, जैसे यूजर ऐड था हम यूजर ऐड से कोई भी यूजर को ऐड कर सकते थे, उसी तरह यूजर डेल है, यूजर डेल यहाँ पे आप कोई यूजर को नाम दीजिए और ये परमिशन नेट दे रहा है क्योंकि ये सब काम हमारा रूट यूजर ही कर सकता है। मैं रूट यूजर में आता हूँ और यहाँ से मैं यूजर डेल के बाद आप यूजर का नाम दीजिए, तो अभी ये करेंटली यूज है इसलिए ये डिलीट नहीं हो रहा है। एक काम करता हूँ मैं एक नया यूजर बना लेता हूँ आप लोग को समझाने के लिए, जैसे मैं कोई यूजर एच बनाया है यहाँ पे, ठीक है, और यूजर डेल करता हूं मैं इस एच को, तो आप देखिएगा एक बात बता दूं आप लोग को, ऐसे अगर यूजर आप डिलीट कीजिएगा तो इससे सिर्फ यूजर डिलीट होगा, मतलब जो आपका जो vim/etc/passwd फाइल है, मैं ये फाइल ओपन करके आप लोगों को दिखाऊं, तो इस फाइल से क्या होगा डेटा हटेगा, पर आप यहां से देखिएगा यहां से डेटा हट जाएगा पर क्या होगा, पर जो और सब जो इसका इंफॉर्मेशन है, जैसे इसका इंफॉर्मेशन बात करें, जैसे आप डायरेक्टरी देखिए, होम डायरेक्टरी देखिए, या जो ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा होगा वो सब डिलीट नहीं होगा। तो वो सब आपको सब कुछ पूरा हिस्ट्री इसका अपन क्लियर करने के लिए, मतलब जो भी जो मतलब ऐसा समझिए जो यूजर क्रिएट होता है, मैंने बताया कुछ कुछ फाइल पीछे अपडेट करता है, तो मैंने /etc/passwd या शैडो फाइल या ग्रुप फाइल ये सब अपडेट कर रहा है जब यूजर क्रिएट हो रहा है, तो वो सबसे इंफॉर्मेशन डिलीट नहीं होगा, सिर्फ इसका एंट्री हट जाएगा passwd से। तो अगर आपको सारा हिस्ट्री क्लियर करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरा कोई यूजर, जैसे मैं vim करूं, मैंने एक यूजर यहाँ पे c बनाया है, तो इस c को अगर मैं डिलीट करूंगा तो आप देखिए क्या होगा, ls कीजिएगा तो यहाँ से इसका होम डायरेक्टरी भी अभी रिमूव हो जाएगा। सेम ऑप्शन आपको यूज करना है यूजर डेल, पर यहाँ पे एक -r आपको लगाना पड़ेगा यूजर के नाम के आगे, तो ये अभी करेंटली यूज है इसलिए ये बता रहा है। चलिए मैं यहाँ कोई नहीं एस को कर लेता हूँ, पर यहाँ पे एस दिखा नहीं रहा है, तो मैं करता एक काम करता हूँ आप लोगों को क्लियर करने के लिए, मैं यहाँ पे एक यूजर बना लेता हूँ यूजर ऐड कमांड। तो यहाँ पे अभी आप देखिएगा एक ss नाम का यहाँ पे बन चुका है हमारा होम डायरेक्ट्री, और पास्ट की इस फाइल में भी एंट्री आ चुका होगा। मैं अगर दिखाऊँ आप लोग को तो नीचे देखिएगा इस फाइल में भी एंट्री आ चुका होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस फाइल यूजर को डिलीट करता हूँ, यूजर को डिलीट करता हूँ अभी हम लोग, पर यहाँ पे -r ऑप्शन लगाएंगे ss के आगे, तो इससे क्या होगा इस यूजर के रिलेटेड जितना भी फाइल अपडेट हुआ होगा पीछे सारा फाइल से ये क्लियर हो जाएगा। आप अगर यहाँ देखिएगा तो अभी ये ना होम डायरेक्ट्री है, आप मान लीजिए कोई एग्जिस्टिंग यूजर को एडिट करना चाहते हैं, एडिट करने का सेंस मैं इस वाला टर्मिनल में क्या करता हूँ /etc/passwd फाइल ओपन कर लेता हूँ, आप लोग को समझने में सिंपल रहेगा। ठीक है, तो जैसे मैं HKM tech यूजर का बात करूँ, ठीक है, ये यूजर का बात करूँ, तो आप लोग यहाँ देखिएगा इसका अभी होम डायरेक्टरी है हमारा /home/hkmtechworld। अगर हम चाहते हैं इसका होम डायरेक्टरी बदलना, तो कोई भी आप एग्जिस्टिंग यूजर को अगर मॉडिफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे यूजर मॉड कमांड होगा, यूजर ऐड से डिलीट होता है, यूजर मॉड से ऐड होता है। यहाँ पे -d दीजिए, जो भी आप डायरेक्टरी देना चाहते हैं वो डायरेक्टरी दीजिए /j, और उसके बाद आप यहाँ पे जिस यूजर का देना चाहते हैं आप वो दीजिए, और ये सब कमांड चलेगा कौन, रूट यूजर चलेगा, इतना ध्यान रखिएगा। और ये अभी अभी यूज हो रहा है इसलिए ये अभी नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पे मान लीजिए कोई एक नया यूजर क्रिएट कर लेता हूँ, और आप यूजर मान लीजिए ये जो भी कमांड आप यूजर मोड में दे सकते हैं, जो भी एट्रीब्यूट या जो भी आर्ग्यूमेंट यहाँ पे आप पास कर सकते हैं, वो आप यूजर ऐड में भी सेम टू सेम दे सकते हैं, पर यूजर ऐड क्या करे एक नया क्रिएट कर देगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप कोई बाय डिफॉल्ट जो होता है उसमें हटके करना चाहते हैं होम डायरेक्टरी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट /home फोल्डर में बनता है होम डायरेक्टरी, पर मैं चाहता हूँ /etc फोल्डर में ये नाम का कोई होम डायरेक्टरी बने, और उसके बाद यहाँ पे आप यूजर का नाम दे दीजिए, जैसे मैं s दे देता हूँ, तो ये क्या करेगा यूजर क्रिएट करेगा s, और उसके साथ इसका होम डायरेक्टरी हमारा ये रहेगा। मैं आप लोग को दिखाता हूँ कैसे, जैसे मैं इसे फिर से बंद करता हूँ, फिर से ओपन करूंगा।
तो यहाँ देखिएगा इसका जो होम डायरेक्टरी है नॉर्मल स्लैश होम में नहीं बनाई है, अपना जो आप दिए वही बना है। ऐसे आप लोग होम डायरेक्टरी को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे यूजर एड में दिया वो आप यूजर मोड में भी सेम टू सेम दे सकते हैं, बस दोनों में अंतर ये है कि यूजर एड यूजर बना भी देगा और यूजर मोड क्या करेगा एग्जिस्टिंग यूजर को एडिट करेगा। ऐसे आप लोग होम डायरेक्टरी बदल सकते हैं। उसके बाद मैं दूसरा बताऊं, जैसे हमारा बाय डिफॉल्ट सेल है हमारा स्लैश बिन बैश, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं अपना सेल भी बदल सकते हैं, पर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एग्जिस्टिंग यूजर का बता रहा हूँ, इसीलिए यूजर यहाँ पे मॉड मॉड मतलब मॉडिफाई होता है। तो यहाँ पे आप चाहते हैं सेल बदलना और सेल बदलना चाहते हैं आप चाहते हैं स्लैश बिन स्लैश SH रहे, इसका स्लैश बैश है अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं स्लैश बिन बैश है यहाँ पे, पर मैं चाहता हूँ नहीं स्लैश बिन SH रहे। और ये किस यूजर का बदलना चाहते हैं आप, एस यूजर का, बस यूजर यहाँ पे दे दीजिए ये बदल जाएगा। और इससे मैं फिर से फाइल को ओपन करता हूँ, बंद करता हूँ, फिर से ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे ये चेंज हो गया बिन बैश SH हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं, तो ऐसे ही हम लोग ये सब एडिट कर सकते हैं, यूजर डिलीट कर सकते हैं। अब ग्रुप के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए ग्रुप का हम लोग जनरली इसीलिए यूज करते हैं, मान लीजिए आप लोग एक कंपनी में है, तो कंपनी में जानते हैं अलग अलग ग्रुप ग्रुप होता है, अलग अलग टीम होता है। उसी तरह आप यहाँ पे भी है कि आप लोग ग्रुप में क्या कर सकते हैं, चार पांच यूजर को ग्रुप कर सकते हैं और उस यूजर को एक पावर दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये यूजर को कुछ काम है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड काम कर रहा है, तो इसको क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेटर रिलेटिव पावर चाहिए। तो या तो पांच मान लीजिए यूजर है, तो पांच यूजर को अलग अलग पावर दीजिए, या क्या कीजिए कि सबको एक ग्रुप में रख लीजिए और ग्रुप को पावर दे दीजिए, परमिशन दे दीजिए। तो ऐसे ही हम लोग परमिशन को मतलब देते हैं एक ग्रुप पे। अब मान लीजिए आप लोग, जैसे मैं एक बार फिर से /etc/passwd फाइल ओपन करके एक बार दिखा दूं। तो यहाँ मैंने बताया था कोई भी यूजर का जो ये फील्ड होता है हमारा, सॉरी ये जो चौथा और पांचवा फील्ड होता है हमारा, सॉरी ये जो फील्ड होता है जनरली क्या होता है हमारा, ग्रुप आईडी होता है, ये ग्रुप मतलब ये ग्रुप का आईडी होता है। और उसके बाद यहाँ पे जैसे यहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ है, जैसे मैं ये एग्जांपल लेता हूँ, ये एग्जांपल में ग्रुप ही है, ये मैं ये एग्जांपल लेता हूँ। तो यहाँ देखिएगा ये चौथा फील्ड होता है ग्रुप होता है, यहाँ देखिएगा ये जो फील्ड है ये ग्रुप आईडी है, ये यहाँ पे ग्रुप आईडी है। मतलब जैसे मैं आप लोग को दिखाता हूँ, इस फाइल से मैं बाहर आता हूँ, यहाँ पे आप ग्रुप्स लिख सकते हैं, ग्रुप से पता चलेगा कि आपका करंटली ये किस यूजर में है, ये रूट यूजर है अभी किस में है ग्रुप। मान लीजिए आपको कोई, यहाँ पे मैं तीन चार यूजर बना लेता हूँ, ठीक है, मैं क्या करूँगा सबको एक ही ग्रुप में डाल दूंगा। जैसे एक यूजर हमारा ए बन गया, एक यूजर बी बन गया, मान लीजिए अभी दो ही यूजर बनाता हूँ हम लोग, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं एक ग्रुप बना लेते हैं। तो ग्रुप कैसे बनता है हमारा, ग्रुप ऐड कमांड से, ठीक है। और उसके बाद आप ग्रुप का नाम दे दीजिए, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ HKM, कोई भी ग्रुप का नाम दे दीजिए, तो ऐसे ग्रुप बन जाएगा। और ग्रुप बनने के बाद अगर कोई यूजर को आपको किसी ग्रुप में ऐड करना है, तो यहाँ पे अगर कोई एग्जिस्टिंग यूजर को ऐड करना है, तो यहाँ पे ग्रुप मॉड कमांड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे उसके बाद आपको -G का ऑप्शन यूज देना पड़ेगा, उसके बाद ग्रुप का नाम, और उसके बाद किस यूजर को आप ऐड करना चाहते हैं। तो इससे क्या होगा, एग्जिस्टिंग यूजर क्या होगा, ये ग्रुप में ऐड हो जाएगा। और एक बात और बता दूं, कोई जब यूजर आप क्रिएट करते हैं, जैसे मान लीजिए आप HKM यूजर क्रिएट किए, तो वो यूजर जो होगा बाय डिफॉल्ट HKM ग्रुप एक बन जाएगा, उस यूजर में चले जाएगा, मतलब उस ग्रुप में चले जाएगा, मतलब जिस नाम से आप ग्रुप मतलब यूजर बनाते हैं उस नाम से ग्रुप भी बनता है, और वो ग्रुप में यूजर पहले से ही रहता है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग क्या किए, यहाँ पे हम लोग ये लाइन में कोई एग्जिस्टिंग यूजर था हमारा ए, उसको हम लोग ने क्या किया HKM ग्रुप में डाल दिया। उसी तरह मैं दूसरा यूजर जो बी है उसको भी डाल देता हूँ। और अब क्या करते हैं हम लोग, एक यूजर अभी सी हम लोग में है नहीं, पर चाहते हैं उसको आप लोग बी ग्रुप HKM ग्रुप में डाल दें। तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग यूजर ऐड कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूजर ऐड से हम लोग क्या करते हैं, कोई यूजर क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे यूजर सी क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर -G, यहाँ देखिए -G, और यहाँ पे ग्रुप का नाम दे दीजिएगा, तो सी क्रिएट होते ही इस ग्रुप में भी चले जाएगा। और आप अभी अगर मैं मान लीजिए passwd में सी को पासवर्ड दे देता हूँ, कोई पासवर्ड आप दे दीजिए। और मैं क्या करता हूँ, अब कोई सी यूजर में जाके एक बार स्विच करता हूँ, अभी आप किस में, सी यूजर में है। और एक बात और बता दूँ, जब भी आप रूट यूजर में और कोई यूजर में स्विच करना चाहते हैं, तो आपको कोई पासवर्ड की जरूरत नहीं है, बाय सीधा आप उस यूजर में चले जाते हैं। पर हाँ, अगर आप कोई और यूजर में है, उससे आप कोई यूजर में स्विच करना चाहते हैं दूसरे यूजर में, तो उस केस में पासवर्ड चाहिए,
रूट यूजर को कुछ नहीं चाहिए, वो बॉस है, वो कुछ भी कर सकता है, कहीं भी आ जा सकता है। तो अभी आप देख सकते हैं सी यूजर में हम लोग आईडी से भी पता कर सकते हैं कि अभी आप उसका आईडी 6 और ये यूजर का नाम सी है। और अगर आप लोग यहाँ पे ग्रुप्स देखिएगा तो देखिए, एक तो ये बाय डिफॉल्ट जिस नाम का यूजर है उस नाम का एक ग्रुप क्रिएट हुआ उसमें है, और एक एचकेएम में हम लोग ने ऐड किया उसमें है, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग कोई यूजर आप ऐड कर सकते हैं हमारे कोई भी ग्रुप में। मान लीजिए अगर आप चाहते हैं नहीं इसका अब इस जो यूजर सी है तो उसको आप लोग रिमूव करना चाहते हैं अब इस यूजर से, सबसे पहले तो आपको रूट में जाना पड़ेगा क्योंकि ये सब काम रूट से होता है, ये सब काम और कोई यूजर से नहीं हो सकता है, या उस यूजर से भी हो सकता है जिसके पास सूडो पावर है। तो सूडो पावर का मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को कैसे आप लोग किसी यूजर को सूडो पावर दे सकते हैं। फिलहाल आप लोग बिना सूडो पावर के यूजर एट कमांड चला सकते हैं पर वो परमिशन डिनाइड होगा, और कुछ कुछ कमांड चला ही नहीं सकते हैं जैसे कि सी एच ऑन कमांड हो गया। सी एच ऑन कमांड सब क्या सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो फिलहाल ये रूट का बात करूं मैं, तो यहाँ पे आप देखिएगा तो अगर आप लोग यहाँ पे जैसे मैं एक बात बताता हूँ, जैसे आप यूजर को रिमूव करना है आपको कोई ग्रुप से, तो ग्रुप से रिमूव कैसे होगा आप हम लोग वो जानते हैं। तो अगर किसी यूजर को रिमूव करना है तो यहाँ पे जैसे कि एक कमांड है जी पास डब्ल्यू डी, ये एक कमांड है, इससे क्या कर सकते हैं आप किसी भी यूजर को कोई ग्रुप से रिमूव कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे माइनस डी ऑप्शन दीजिए, और उसके बाद आप यहाँ पे सी, यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे यूजर का नाम दे दीजिए, और उसके बाद यहाँ पे आप दे दीजिए ग्रुप का नाम। तो यहाँ हो गया रिमूविंग यूजर सी फ्रॉम ग्रुप एचकेएम। आप लोग पता भी कर सकते हैं कि कौन, जैसे कि एक लिनक्स में फाइल है /etc/group फाइल है, इसमें बताया भी है जैसे कि यहाँ पे अभी हम लोगों ने ग्रुप क्रिएट किया एचकेएम, तो यहाँ पे देखिए ये एचकेएम क्रिएट किया, इसमें एक कौन यहाँ पे बता रहा है कौन कौन से यूजर है, अभी ए और सी यूजर है, दो यूजर है, जैसे कि इसमें आप तीसरा यूजर भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आपने रिमूव किया, मैं चाहता हूँ उसको फिर से ऐड कर दूँ, इस यूजर को फिर से ऐड कर दूँ, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, यूजर मॉड कमांड इस्तेमाल करना पड़ेगा कि अब ये सी यूजर एग्जिस्टिंग यूजर है, तो इसीलिए हम लोग को माइनस यूजर मॉड कमांड देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे ग्रुप का नाम, उसके बाद यूजर, अब देखिए ये यूजर सी जो यूजर है फिर से इस ग्रुप ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो सी भी आ चुका होगा एचकेएम, तो ये फाइल है इसमें सब सारे ग्रुप के बारे में डिटेल बताया /etc/group। ऐसे ही हम लोग कोई ग्रुप में ऐड करते हैं, तो मान लीजिए आपको कोई ग्रुप ही डिलीट करना है, तो ग्रुप डिलीट करने के लिए यहाँ पे कमांड है ग्रुप डिल, उसके बाद आप ग्रुप का नाम दे दीजिए, वो ग्रुप ही चले जाएगा और इस ग्रुप में जो मेंबर है वो सारा हट ही जाएगा। हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं, अगर इस फाइल को ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे देखिएगा आप नीचे कोई भी फाइल नहीं है हमारा, सॉरी कोई भी ग्रुप नहीं है एचकेएम नाम। तो ऐसे ही आप लोग ग्रुप को क्रिएट करते हैं, कोई भी इसमें मतलब यूजर को डालते हैं और यूजर को निकालते हैं कोई ग्रुप से। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये सब समझ में आया होगा, पिछले वीडियो में मैंने यूजर के बारे में बताया और इस वीडियो में मैंने बताया पूरा डिटेल्ड वे में कि ग्रुप क्या होता है, कैसे आप लोग ग्रुप से रिमूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो मान लीजिए एक लिनक्स में फाइल है, नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ क्या बताऊंगा आप लोग। मान लीजिए लिनक्स में एक फाइल है, ठीक है, /etc/shadow file, ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है क्योंकि इस फाइल में हमारा सारा पासवर्ड रहता है कोई भी डेटा का, ठीक है। तो इसमें एक फाइल है, सॉरी ये एक फाइल है, ये फाइल का अगर मैं आप लोग को बताऊं क्लियर, तो ये आप रूट यूजर में थे इसलिए फाइल को आप रीड कर सकते थे। अगर लिस्ट कीजिएगा इस फाइल का डिटेल जानने के लिए, तो यहाँ पे एक बात बताएगा ये क्या होता है, ये परमिशन होता है, मतलब इस फाइल का क्या परमिशन है ये पूरा बताएगा हमारा, मतलब इस फाइल का परमिशन के बारे में यहाँ पे रहेगा कि ये फाइल कौन ओपन कर सकता है कौन ओपन नहीं कर सकता है। पर यहाँ पे देखिएगा कोई परमिशन नहीं है तब भी रूट ओपन कर रहा है क्योंकि ये सारा परमिशन जनरल यूजर पर रखता है, रूट पे कुछ नहीं लगता है, रूट कुछ भी कर सकता है, मैं बार बार बता रहा हूँ रूट कोई भी कहीं कुछ भी कर सकता है, मतलब रूट के पास सारा पावर है। और तो ऐसे ही हम लोग परमिशन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, कोई जैसे अगर कोई दूसरा यूजर में है तो ये सब कैसे हम लोग एडिट कर सकते हैं, अब तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।